बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। मैं बस कर दे यार। मैंने अभी व्लॉग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। बेटा साइड मिरर नहीं दिख रहा मुझे, यार नीचे करो। सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली वापस से बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं। दूसरी चीज ये कि दिस इज माय सेकंड व्लॉग और ये ईद की शॉपिंग का व्लॉग बनेगा। तो अभी सीन्स ये हैं कि मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मुझे इसने और मम्मा ने कहा कि बना लो। तो अभी हम सब जा रहे हैं, मैं मम्मा और ईद की तैयारियों में सबको शामिल करूँ साथ। मम्मा चाहती हैं ऐसा हो, छोटे छोटे दो बच्चा और लड़का। तो सीन्स ये हैं कि अभी हम जा रहे हैं अपनी पप्पा। देखो मुझे साइड मिरर से दिख नहीं रहा है, आप ही पीछे से ऐसे। यार मैं कहाँ रखूँ फोन, ये देखिए इधर ये है और यहीं पे मैंने फोन रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से बनाऊँ। ओह नाइस। अच्छा तो सीन्स ये हैं कि अभी हम जा रहे हैं अपने पप्पा को पिक करने, अपनी कजिन्स को पिक करने, उसके बाद हम जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? डीएमसी। डीएमसी जा रहे हैं। डीएमसी की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा तो मम्मा मुझे ये बताएं, क्या आप अभी कुछ बता रही थी कि गाड़ी में बैठते ही कुछ पढ़ना चाहिए? सबसे पहले जो है गाड़ी में बैठते आगे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, सबको क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी बेटी का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अच्छे से मजनू जलते हैं साला मजनू, और लाइक करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। चलो ना निकालो, अच्छा लगेगा। देखो सर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला दो बेटा। दुआएं तो वैसे हमने अल्लाह पाक के हुक्म से पढ़ ली है, और सबसे पहले जब आप किसी भी ट्रैवल पे जाने लगते हो तो पहले अपने लिए ना आप हिफाजत की दुआ पढ़ा करें। बिल्कुल। और उसके बाद नजर बद की दुआ पढ़ा करें। बिल्कुल। क्योंकि नजर जो है वो किसी को भी लग सकती है, अपनी भी लग सकती है। तो माशाल्लाह लाइबा गाड़ी अच्छी चला लेती है, और जब मेरा टाइम आता है तो तो जब मेरी चलाने की बारी आती है कि मैं बोलूं मैं चलाऊं, तो बोलती है कि हैं अच्छा, तो उसका मतलब होता है कि नहीं अच्छी लग रही हो आप मेरे कैमरा में। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपनी पप्पो को पिक करने, और चलो जी पुत्र हम लोग यही रहते हैं। ओके मम्मा, तो बस चीज ये है कि अब हम लोग उनको पिक करेंगे, उसके बाद हम दिखा देंगे क्योंकि मैं चली जाऊंगी पीछे। मेरी इतनी इज्जत होती है कि घर से लेके यहाँ तक मैं बैठ सकती हूँ सिर्फ आगे, उसके बाद में जब खानदान हमारा बड़ा होता है तो फिर खानदान बड़ा नहीं, तो यार गिन के चार लोग हैं, बहुत छोटा है अभी तो। अभी तो आप मेरे ननियाल से नहीं मिले, वो देखो लाइवा कितनी प्यारी गाय है माशाल्लाह। शावाबलों की? नहीं अभी तक तो शावाबल लोग लाए नहीं है। हमारा भी इंशाल्लाह कल, वो देखो गेंडा खड़ा है। ओह माय गॉड गाइस, वो गेंडा खड़ा है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, और हम आपसे रास्ते में मिलते हैं। मैंने सोचा था मेरी पापा बैठेंगे, लेकिन फौरन आके ये उस्ताद बैठ गई हैं। गजब बेइज्जती है। सीन्स ये है कि जो है मैं आ गई हूँ पीछे, मुझ पे हमला होने लगा था लाइबा की तरफ से। मम्मा थोड़ा सा उधर में बाकी आ गई। किधर भाई? ये मम्मा है, नहीं बैठ सकती। उधर तो हम जाके दिखा गोद में बैठना मानी। किसकी गोद में बैठना? अच्छा मैं समझी, आरुही की गोद में बैठना। नहीं करो ना तुम लोग, ये सब व्लॉग में डलेगा, करो बुराइयां लोगों की। नहीं तभी लोग छुपा। कितना प्यारा बच्चा है उनजा का, किस पे चला गया? या माफ करे, चुप रहो थोड़ी देर। ये पे गया छोटे चच्चा, हाथ पीछे करता है ना मुझे। बहुत जानू मैं, बहुत लड्डू पे मैं कल, पता सब समझ जाएगा। तो आगे से तो सीन ये है कि सब आगे बैठ गए हैं। ये दी मेरी पप्पो आगे मानी। हां भाई
ये रही मेरी कजन, एक आगे बैठ गई है, ये रही लाइबा, ये रही मैं। बस अब हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और हम आपसे वहाँ पहुँच कर मिलते हैं। रास्ते में कुछ होगा तो जरूर दिखाऊंगी, वरना तो चीज ये है कि बस हम लोग अब रास्ते में मिलेंगे, और क्योंकि रास्ते में बातें बहुत होंगी तो मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं। हाँ जी, सामने क्या हो गया? हम लोग पहुंच चुके हैं बस लाइबा जो है अब ड्राइविंग क्या होती है पार्किंग में लग ड्राइविंग में पार्क गाड़ी ड्राइव करके पार्क करेगी ड्राइव करके करेगी लाइबा मुझे उतरने नहीं मैं पूछती हूँ क्या पूछना है तो बस वेला तो बस हम लोग जिंदगी में कभी सही नहीं मिलता कंट्रोल। तो बस अभी हम लोग आपसे मिलते हैं। आपकी बात किसी का होगी मम्मा अपने लिए शूज ले रही है अभी और नहीं सीधी होती कौन सी हमारी दोनों उंगलियाँ खानदान को ऐसे लोगों के सामने वो करा रही हो क्या करवा रही हो वो हमारे घर वाले पीछे आ रहे हैं जी जिनिस्तान कौन सी तान जिनिस्तान क्या है पीछे ईद की शॉपिंग करने आए ना हम लोग या मूवी देख ले पहले आपके लिए आप बता दें हमें जो करना है अभी हम शेन वाले कौन से अभी हम अलमास आए हैं तो मैं और लाइबा अपने लिए कुछ जॉगर्स लेंगे तो ये इसी टाइप में देख लो ना लेकिन ये नहीं इसी टाइप में यहाँ सब देख रहे हैं जूते और हमें पसंद ही नहीं आए कोई जॉगर्स तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह मुझे वो छोटी वाली हील लेनी है जो इस साइड पे मिल जाएगी आराम से दिखाओ मम्मा मम्मा मुझे अच्छा बाकी कलर्स मजे के नहीं है ना आपको अच्छा लग रहा है वैसे है आपको अच्छा लग रहा है पकड़ने से कौन है मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है वाला ये वाहिद बच्चा जो मेरे साथ खुश नहीं होता 26 से हाय रमेश को किसको बुलाना टैग उतारा भी किसी चीज का नहीं मैंने बनाया बट तुम अच्छी नहीं लग रही हो उसमें हमारा 13 है ना मेरे पास 14 है मेरे 14 से बनाने पड़ते हैं तो हम डंकिन डोनट आए थे और हमने अपना ऑर्डर दे दिया हमने शेक किए थे तो हमने ओरियो शेक ऑर्डर किया और हमें अभी तक हमारे घर वाले की कॉल नहीं आई हम कब से अलग हैं और उन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं की है तो बस हम वेट कर रहे हैं अपने शेक्स का दैन हम खुद उनको ढूंढेंगे तो मतलब हमसे वैसे ही मतलब शेक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरा आ गया ओरियो शेक और वहाँ रिमा गई है अपना ओरियो शेक लेने अपनी स्नैप सुना रही है तो बस सब हम पियेंगे और अब घर वालों को ढूंढेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो लोग हैं एग्जैक्टली कि जब मैं दे रही थी तब क्यों नहीं लिया तब क्यों नखरे कर रहे थे चल भाई निकल नो ईगो हट हो गई मैं नहीं गो और हम मैंने ईद के लेनी बट मैंने नॉर्मली बहुत चीज़ें ले ली अपने लिए तो अब बस
ईद के लिए शॉपिंग करूँगी, करना तो यही आई थी, अल्लाह माफ़ करे। फाइनली मैं आ गई ईद के कपड़ों की तरफ कि मैं अपने लिए कपड़े ले लूँ, और अल्लाह माफ़ करे मम्मा इतना इतना सोचा। तो हम लोग 3:30 बजे से यहाँ पर आए, मैं अभी 6 बज रहे। क्या सीन है घर का? और हमने कोई इतनी खास शॉपिंग नहीं की, और मेरा ईद का ड्रेस अभी तक नहीं आया, क्योंकि मुझे मेरे घर वाले लेके जाते हैं और मुझे बिल्कुल ना इतने भरे हुए शादी के काम वाले कपड़े दिखा रहे, कहते हैं ये देखो ये देखो, ना अल्टर रंग पे सूट है ना खाड़ी पे सूट है, और हाँ यही हाँ खाड़ी था नहीं भाई, नॉर्मल कपड़े सही हैं, बट यहाँ पर वो वाले कपड़े अच्छे नहीं हैं। ब्रो अगेन 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 शर्ट सही करो उसकी। अभी हम आउटफिट टेस्ट थे, हमने कुछ वहाँ से चीज़ें ली, तो लाइवा कैश काउंटर पर है वहाँ पर, तो बस वहाँ से आए, तो हमारे आधे घर वाले स्टाइलों पर हैं, और बाकी मैं मेरी कज़न, और अभी हमने जाना है खाना खाने। मैं नाश्ता भी नहीं किया, भूख मुझे लग रही है, निकल कैरी बोर्ड पे से जाके अचार बोटियाँ खाएंगे। क्या हुआ है? हम स्टाइलों पर हैं, और मैंने ये वाले बाइक लिए, अभी मैंने पहन के देखे थे तो बस अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने डन करवा दी, गए वो पैक होने गए। 38 साइज तो बस अब हम सब जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बट अभी तक स्टिल मेरे ईद के कपड़े नहीं आए, तो अब मैं कल जाऊंगी लकी वन, अब मैं वहां से जाके देखूंगी, बिकॉज हाँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बाहर मामा कल मैं वहीं से लूँगी लकी वन से। ओके मैं लेके जाऊंगी अपनी बेटी को, तो बस हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे हम लोग कुछ खाने पीने, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन हम लोग बाहर जाएंगे खाना खाने, और उसके बाद हम लोग घर, तो बस मेरे साथ रहेगा, निकलें चलें आप निकलें प्लीज। हम लोग बाहर आके बैठ गए, ये लोग कहीं दुकान पे रुके हैं, हम लोग बाहर आके बैठ गए, मामा लाइबा और हुंजा का वेट हो रहा है, तो वो लोग आएंगे तो हम जाएंगे, ये रहना चाहूँगी later. तो हमारा प्लान बना है क्लॉक टावर का, और ये लोग सब उतर रहे हैं, और हम लोग सब चलेंगे अंदर, आई थिंक हम टॉप फ्लोर पे बैठेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर चल के। मेरा तो डन हो गया, मैं खा रही हूँ चिकन मंचूरियन फ्राइड राइस, और तुम क्या खा रही हो? दैट इज वेरी सॉसी, मैं तो डायरेक्ट हम गई, तो इधर रिजल्ट ही नहीं सुनता नहीं कोई। आप क्या खा रही हैं? मैं खा रही हूँ आई एम हैविंग स्टेक। अच्छा जी, तो आप लाइबा तुमने क्या ऑर्डर किया? लाइबा मैं व्लॉग नहीं करूँ, कौन तुमने क्या ऑर्डर किया? पहले देख चुकी हूं बैठने की जगह है वो, से मैंने सुना खाना चाहिए। तुमने क्या ऑर्डर किया है? गाइस लोग छोटा टेस्ट में क्या दो लोग यार, ये लोग मुझे किसी तरीके से सीरियसली ले रही है, इतना इंग्लिश बोल रहा हूं किसी को समझ में आया, सीरियस लेना है। क्या ऑर्डर किए गाइस? जब आएगा मैं दिखा दूंगी। तुमने क्या ऑर्डर किया? तुम करो कोई इनकी वाली यकिया क्या कौन इटालियन मुश्किल नाम है गाइस, निकला नहीं यार तुम लोग। अच्छा ऐसा लग रहा है मुंह रखा हुआ गर्दन है नहीं, फोटोशॉप। आखिरी व्लॉग है तुम सबके साथ, और मैं लिखूंगी पहला तो डाल दो, अब तक डल चुका हूं गाइस, ये लोग मूड में नहीं है अपना मेन्यू बताने के। फा आप बताएंगे मुझे? आप ओ माय गॉड मम्मा आपने क्या यार सारे ही अखियां लगा रुका, नहीं हो पा रहा उनसे। तुमने क्या ऑर्डर किया?
सही बताना वो अशीफा जाफरी नहीं, मैंने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्डर किया है। जब इन सब के जब इन जब इनके सब आएंगे ना मेहमान, सब कौन आएंगे हमारे खाने खाने यार। मैं तो इनका कैसे खाना आता है लाइबा, जैसे ही इनका खाना आएगा मैं अलग से ले रही हूं अपना। ठीक है वो ले लो, सबको दे दे रहे सबको। गाइस मैं इनके खाने आते फिर दिखाती हूं, कुछ भी दिखाओ कोई मसाला नहीं। बाय। हमारा ये क्या हो गया, क्या है ये नाचोस आ गए और पूरा बाकी खाना आने वाला है। ये रिम्मा का है, वो लाइबा का है, ये मेरा है और मेरा अभी वो मंचूरियन आना है, ये हंसा का, ओमानी। अब अच्छा अपना खाना शुरू कर दिया, मैंने तो खाना खा लिया अपना थोड़ा सा, बाकी ये लोग अब तक खा रहे माशाल्लाह। अभी क्या खा रहे हैं, शुरू किया हमने। हाँ तो शुरू इतनी बात है, देर से कह रहे हैं यार, क्या तो प्लेट भरी नहीं है। खुराक है ना माशाल्लाह तुमने। चलो ठीक है, नज़र लग जाएगी, बाकी पतली हो जाएगी। हाँ नज़र ही लगा दो, सब लगाओ। तो अब ये लोग खा रहे हैं, खाएंगे तो हम निकल सकेंगे। काश में बस अपनी गाड़ी होती, खा के निकल जाती। हाँ जी, तो सीन ये है कि लैबा ने मुझे इसका सरप्राइज दिया है कि लाइक प्री बर्थडे के और हमारा खाना पीना हो गया। मुझे तो मज़ा नहीं आया यहाँ, हाँ बहुत अजीब सा था सब कुछ, मतलब मुझे अस्तगफुरुल्लाह कहना नहीं चाहिए बट मुझे खाना मज़े का नहीं लगा। ये केक क्या था, बर्गर अंदर पता नहीं क्या क्या, मैंने अंदर नहीं खाना भाई बर्गर। और ये रहे हमारे घर वाले, वेट करें लैबा का। अच्छा ये कौन देगा हम लोग की सबकी पिक्चर, पहले सारे रेड फ्लैग्स एक साथ दिख गए। तो हाँ जी, हमने फालुओं को ड्रॉप कर दिया था, बस अब हम घर के लिए जा रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। मैं पहली दफ़ा इतना चली है ना लाइबा, हाँ एक्चुअली कसम से आज मैं बहुत थक गई और मैं ईद की शॉपिंग करने गई थी बट मेरा अभी तक ईद का ड्रेस नहीं आया, क्योंकि आप जो हैं वो नखरे बहुत करती हैं दुनिया। नखरों की बात नहीं है, मम्मा मुझे जो है शादी के कपड़े दिखा रही थी और लाइबा मुझे दावत के लाइबा दिखा रही थी, तो ईद के हिसाब से मुझे पसंद ही नहीं आया था, कलेक्शन भी अच्छी नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे। तो बस कल में इतने सारे आउटफिट्स में तुम्हें ऐसी ही बस अब समझ जाए, तो बहुत बुरी थी, मुझे कपड़े समझ ही नहीं आए। अब देखती हूँ मैं कल शायद जाऊँ इनकी शॉपिंग करने, तो बस ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थक गए और इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।